अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का टाइम है, मेरी मेड आ चुकी है। ज़रा मैं थोड़ा देर से उठती हूँ तो मेरी मॉर्निंग देर से होती है। तो मेड ने बाहर से सारा क्लीन कर लिया है, तो बस मेरे रूम की बेडरूम की क्लीनिंग करनी थी उसे, तो बस ये सारा झाड़ना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ये सारा मैं फर्नीचर पहले झड़वा लेती हूँ झड़कन से, फिर उसके बाद बेडशीट भी उतरवा के वो सारी सेट करा के सब जगह से क्लीनिंग कराती हूँ, ताकि कहीं पे भी डस्ट ना हो। तो डस्ट होने से तो ना वो जाले वगैरह नहीं होने चाहिए कहीं पे भी, तो सारी अच्छे से क्लीनिंग करा लेती हूँ मैं उसे। और फिर बेड भी सेट करवा लिया था मैंने। अब ये सफाई करने लग गई थी, फिर मैं उनसे कपड़े से जो है ना डस्टिंग करा लेती हूँ, मेरे पूरे फर्नीचर की डस्टिंग कराती हूँ। और बस ये पोछा लगा रही थी, सारी क्लीनिंग कर रही थी। मेरे टाइल अभी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, मतलब ब्लैक पन आ रहा है इन पर, मगर मैं इनसे वीक में एक दफ़ा हार्ड पिक लगवा के अच्छे से सफाई कराती हूँ टाइलों पे, क्योंकि बेडरूम में बेड वगैरह है तो इसलिए पानी तो नहीं डाल सकते, तो मैं वापस इनसे उठवा लेती हूँ। ये मेरे बेटे शाहज़ैन मेरे हस्बैंड के साथ आए थे रूम में, तो मैंने कहा चले इन्हें भी ले लेते हैं। मेरे हस्बैंड को क्लीन चीज़ें और चीज़ें अपनी जगह पे ही पसंद हैं। वो देखते रहेंगे, अगर कहीं से कोई चीज़ इधर उधर होगी तो वो खुद सेट करने में खड़े हो जाते हैं कि सेट होनी चाहिए सारी चीज़ें। बस फिर दोपहर का टाइम था, शाहज़ैन को मैंने बात कराना था, मैंने बाथर वगैरह रख ली थी और इसको मैंने बाल्टी में पानी रखने भरने रख दिया था। और शाहज़ैन के लिए आज मैंने रेड कलर का रोम्पर ड्रेस निकाला है, और पैम्पर कंपनी के मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत टाइम तक कर सकते हैं हमें इसलिए यूज़ अच्छे हैं ये पैम्पर्स, मुझे तो ये अच्छे लगे। शाहज़ैन बात लेके आ गए थे तो मैं इनके हेयर सेट कर रही थी, मगर इनको कंघा जो है ना लग रहा था, तो बोल रहे थे हट जाओ बस, दूर कर रहे थे मुझे, नहीं करो मेरे बालों में कंघा, गीले होते हैं ना तो बाल बच्चों को चुभता है कंघा। इसको मैं पकड़ रही थी कि किसी तरह से रुक जाए तो मैं सही तरीके से इसके बाल सेट कर लूं। फिर मुझे डर भी लग रहा था, ये बार बार पीछे जा रहा था कि बेड से नीचे नहीं गिर जाए, बहुत शरारती हो रहा है, जितना बड़ा हो रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता उतना शरारती हो रहा है, तंग करने लग गया। पहले नहीं करता था इतना तंग, बस थोड़ा बहुत करता था, मगर अब तो बहुत ही शरारती कर रहा है। बेड पे इसको अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, जैसे ही छोड़ के जाओ गिर जाता है नीचे बेड से। बस मैंने शाहज़ैन के लिए साबुदाने का पानी चढ़ाया था, शाहज़ैन का स्टमक थोड़ा डिस्टर्ब है, वो पेट ख़राब मोशन वगैरह कर रहा है। वैसे तो मैं इसको भैंस के दूध में बना के देती हूँ, मगर अभी तो मैं नहीं दे रही, एक बनाना इसको खिला देती हूँ तो स्टमक थोड़ा सेट रहता है, और इसको इतना हैवी भी नहीं होता, हल्का फुल्का हो जाता है और पेट भी भरा रहता है इसका। बस मासी किचन वगैरह सब क्लीन करके गई थी, और सारी सफाई बर्तन वगैरह सब वही करती हैं मेरे, ऑल इन वन काम सारा ही वही करती है मेरा। बस रात में मैं ख़ुद क्लीनिंग करती हूँ। फिर ये मेरा सेकंड रूम है, इसको भी क्लीन कर दिया उन्होंने, और ये कपड़े वगैरह उन्होंने वॉश करके रखे थे। कबूतरों का बड़ा मसला है, कबूतर आ जाते हैं और सारा जो साइड्स है ना इनमें गंद कर देते हैं। बस फिर मैं थोड़ा देर यहाँ खड़ी हुई और हवा खाने लगी, और आज मैं पहन रही हूँ ये वाला ड्रेस। ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है, कलर भी बहुत खूबसूरत है इसका, खिलता हुआ कलर है। मैंने ट्राउज़र कुछ इस टाइप का बनवाया था और इसके ऊपर ये बेल में लगाई थी,
गर्मियों में लॉन के कपड़े जो होते हैं ना वो सही रहते हैं ज़्यादातर। इसको मैंने वेयर कर लिया है। इसकी जो लेस है ना वो शाज़ेन को चुभती है, तो मैं इसको थोड़ा कम ही पहनती हूँ। लगता मुझे अच्छा है मगर इसकी लेस की वजह से इसको मैं पहनना अवॉइड करती हूँ। शाम का टाइम हो गया था तो मैंने शाज़ेन के लिए एक बनाना ले लिया था। शाज़ेन देख रहे हैं अभी चूचू टीवी। बस अब मैं शाज़ेन को खिलाऊंगी बनाना और शाज़ेन देख रहे हैं अभी चूचू टीवी। जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। और आज का व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।